हे ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, हमें क्या क्या काम होता है और क्या क्या करने वाली हूँ मैं आज आपके साथ। शूटिंग शेयर करूंगी कि क्या कैसे एवरीथिंग। सो आज पूरा दिन मेरे साथ रहिए और ये व्लॉग पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलती है और लाइक करते हो तो चैनल ग्रो होता है। तो प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, मॉर्निंग के बीच में मैं अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ। सो राइट नाउ इट्स 10 o'clock और अभी मॉर्निंग के बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं जो मैं अभी क्लीन करूंगी। और आज के दिन मैंने सोचा है कि आज मैं 2 वीडियो शूट करूंगी फॉर माय किचन चैनल। देखते हैं हो पाता है या नहीं, बिकॉज एवरी डे आई मेक अ प्लान कि आज के दिन का स्केड्यूल मेरा ये होगा। और ये प्लान मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ और एल्स नाइट बिफोर बनाती हूँ, बट इम्प्लीमेंट के ऊपर है। तो जैसे कि आज वेंसडे है, ये ब्लॉग मैं कब डालूंगी आई डोंट नो, बट आपको इन डिटेल सारी चीजें पता चलेगी। और थर्सडे फ्राइडे मेरे जो 2 दिन हैं वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और आप सब जानते हैं मेरा यूट्यूब का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से है। अभी आप नहीं जानते हो तो मेरे चैनल को एक बार गो थ्रू करो, आप देखोगे व्यूज तो आपको समझ आ जाएगा। बट स्टिल आई कीप ऑन डूइंग इट, बट ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप कंटिन्यू करते जाओ एंड यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। सो यहाँ बट यहाँ पे डायरेक्टली जॉब करना पॉसिबल नहीं है, आपको लोकल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मैंने अभी रिसेंटली कुछ ट्रेनिंग्स ज्वाइन की है। दैट इज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, कल मुझे जाना है तो 7 to 4 शाम हो जाती है, पूरा दिन चला जाता है। तो धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे व्लॉग बढ़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं वरना आप शुरू में ही बोर हो जाओगे। तो चले चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का वेदर बता दूं, इस वेदर ने इतना दिमाग खराब कर रखा है मेरा। अभी देखिए थोड़ी सी धूप निकली हुई है। ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये कपड़े 3 दिन से यहाँ पे हैं। बारिश इतनी होती है बीच बीच में, ठंड इतनी है कि सूखते ही नहीं है। ये ठंड का कमाल है, ये ऐसे ही होता है डेली यहाँ पे। ये पूरे ग्लासेस जो है हमें क्लीन करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम होता है। जो काम मतलब इंडिया में रेयरली आप मंथली करोगे या वीकली करोगे, बट यहाँ ये सारे काम डेली के हैं, करना ही है और एल्स आप फिर ठंड से मरो अंदर। बट या ब्लेस्ड विथ हीटर। ओके, वन थिंग जो मुझे यहाँ शेयर करना था जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, वो है मेरे ये ट्रीज का। जो ट्री है ये गेंदे का फूल था, तो आप देखिए ये गेंदे का फूल इस तरीके से आ रहे थे। ये कम से कम 6-7 महीना बहुत अच्छे से बड़े हो गए थे, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ कहीं साइड में लगा दूंगी, आप देखोगे तो समझेगा। बट मोर देन 50 इसमें फूल थे। बट रिसेंटली पिछले 15-20 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूरे ट्रीज की बैंड बजी हुई है। मैं इसका क्या करूँ कि जिससे ये वापस आ जाए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। उससे ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट इस चीज़ से हूँ बिकॉज ये मैंने सिडनी से लाया था। अब आप सोचते होंगे ये है क्या, ये मेरी तुलसी है। तो देखिए मेरी तुलसी का क्या हाल हो चुका है, पूरी तरह से ठंड में सूख चुकी है। एक किसी को कैसे सेव करे मुझे समझ नहीं आ रहा। शुरू शुरू में हमने ठंड शुरू हुआ था तो इसे अंदर रख लिया था, बट अंदर रखने से भी क्या होता है कि काफ़ी सारे जो इसमें से जो कीड़े वगैरह हैं वो फिर अंदर आने लगते हैं, फिर कारपेट गंदा होता है, फिर ओनर की प्रॉब्लम, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमने अंदर लेना बंद कर दिया। इसे मैं कैसे फिक्स करूँ आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रीज़ का आइडिया नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा प्लांटिंग कभी नहीं करती थी तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, बट यहाँ आकर मैंने शुरू किया बहुत कुछ। ये वाला जो पेड़ आप देख रहे हो ये गुलाब का पेड़ था, बट ये भी इसका सीजन नहीं है इसलिए ये इस तरीके का है। बट स्टिल उसकी पत्तियां देखिए अभी भी हरी हरी हैं, बट पता नहीं मेरी तुलसी क्यों ऐसी हो गई। द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज माई एलोवेरा। एलोवेरा ठीक है और एक ये छोटा वाला ठीक है। इनमें चलते हैं, तो ये है मेरे पौधों का हाल। मेरी हेल्प करिए, बताइए मैं क्या करूँ कि मेरी तुलसी ठीक हो जाए। फिलहाल तो बर्तन बहुत है तो पहले मैं ये किचन क्लीन करूंगी एंड उसके बाद हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा, रायता। 2-3 रेसिपीज है जो मैंने सोच रखी है मेरे किचन चैनल के लिए, उसे मुझे आज शूट करना है, कैसे भी करके करना है, बिकॉज अब मेरी बैकलॉग्स खत्म हो चुकी है। जितनी भी वीडियोस थी जो पुरानी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, उसमें से सिर्फ एक ही वीडियो बची हुई है जो कि इस वीक चल जाएगी, बट नेक्स्ट वीक के लिए मुझे 2 वीडियो शूट करनी है जो कि मैंने सोचा है आज कर दूंगी। तो अक्सर मेरी मॉर्निंग टी बालकनी में ही होती है और जब मैं मॉर्निंग टी लेके बालकनी में आती हूँ तो जो भी गैलरी में कूड़ा करकट होता है और कपड़े होते हैं तो वो सारे निकालती हूँ और थोड़ा सा गैलरी क्लीन करती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग बर्तन हो गया, देखिए
सारा कुछ क्लीन हो गया। लाइट्स जो है मैं यहाँ सेटअप करती हूँ और मैं इस वाले इंडक्शन पे बनाती हूँ। सो जिस मोड में भी शूट करना होता है वो लाइट को सेट कर देती हूँ एंड शूट करती हूँ। ये है मेरा पूरा लाइटनिंग प्रोसेस। फिर भी मुझे लाइट कम लगती है, पता नहीं क्या सेटिंग गड़बड़ हो रही है। सो फिलहाल तो मैं किचन की वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बना रही हूँ गाजर का हलवा। पोज दे रही हूँ थंबनेल के लिए। तो ये देखिए मेरा गाजर किस के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे बनाऊंगी और फुल रेसिपी आपको मेरे किचन चैनल पे मिल जाएगी। इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिससे ये हलवा जो है बहुत टेस्टी बनेगा एकदम। ये हल्दीराम का देसी घी ले रही हूँ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें हल्दीराम की मिलती है और फ्रेश भी होता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे। इतना घी ले रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैमरा कहाँ रखा है, बिकॉज़ मैं तो शूट भी कर रही हूँ, बट इस वक्त मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच बीच में कैमरे को मैं ब्लॉग की तरफ घुमाती हूँ एंड देन मैं वापस से रेसिपीज़ की तरफ घुमाती हूँ। सो इस तरीके से मैं शूट करती हूँ। फ़िलहाल एक ही मोबाइल है। सो दिस इज़ फुल क्रीम मिल्क एंड इसे हम ढक देंगे, अभी आराम से पकेगा। नट्स में मैं ये स्लाइस्ड आलमंड ले रही हूँ एंड मैंने कुछ नट्स और निकाल के रखे हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स इस गाजर के हलवे में जाएंगे। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी है जो मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, बट आपको वीडियो में देखने मिलेगी। तो रेसिपीज़ के साथ ही मैं अपना लंच भी तैयार कर रही हूँ। सब्जी मैंने सुबह ही बना लिया था, बट रोटी मैं अभी बना रही हूँ एंड एक साइड रेसिपी। तो ये देखिए गाइस, गाजर का हलवा तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। मीन्स आई कांट बिलीव कि मैंने बनाया है। ज़रूर देखना किचन चैनल पर। 24 hours later तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मेरे सेकेंड वीडियो की, बट सेम डे पे नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सेम डे पे मेरे फैमिली से फ़ोन आ गया और फिर मैं उसमें बिज़ी हो गई। उसके बाद मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, फिर मैं ट्रेनिंग के लिए थर्सडे गई बट फ्राइडे मैं छुट्टी ली एंड देन सैटरडे भी मैं रेस्ट ही कर रही थी एंड संडे को मैंने फिर सेकेंड वीडियो शूट किया। सो जैसा गाइस हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, काफ़ी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। आप अपना खुद का काम जो है वो स्किप करके अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोचनी पड़ती बिकॉज़ आपके पास यहाँ कोई है नहीं जो आपको देखे। सो हेल्थ इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी हियर। तो देखिए, मैंने सेकेंड वीडियो तो शूट की बट ये सेकेंड वीडियो है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी है, चीज़ चिला, बहुत यमी है, ज़रूर देखिएगा। तो अकेले हूँ, काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है गाइस, और इस वक्त मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही हेल्थ का भी ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले हूँ तो खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बट कभी कभी कुछ कुछ कमेंट्स इतने ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं, क्या बोलूँ मैं। लोगों को लगता है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बहुत लग्जरी है, ऐसा नहीं है। हर किसी का लाइफ में अपना अपना एक स्ट्रगल है, बस वो फेज़ है और आज है कल चला जाएगा, बट यस, काम करते रहना है। हेलो ऑल, सो आज मैं आपसे कुछ बात करूंगी। अब किसी कंट्री में शिफ्ट होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक मिडिल क्लास लाइफ से लग्जरी लाइफ में शिफ्ट हुए हो, ऐसा नहीं है। जब आप किसी नए कंट्री में शिफ्ट होते हो ना, तो आप और 10 साल पीछे चले जाते हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये आपको समझने में बहुत वक्त लगेगा, या फिर शायद आप ना ही समझो जस्ट बिकॉज कि यू आर नॉट इन दैट शूज। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ की लाइफ बहुत खराब है या कैसी है या मतलब इट्स जस्ट दैट इनिशियल स्टेजेस आर डिफिकल्ट, स्ट्रगलिंग होता है शुरू का कुछ साल, और कुछ डेस्टिनी भी होती है। कोई अपनी मर्जी से कंट्री नहीं छोड़ता है, स्पेशली गर्ल्स। बस मेरी डेस्टिनी में भी यही था, मैं अच्छी खासी लाइफ इंडिया में चल रही थी करियर वाइज, नॉट पर्सनली, बट यूट्यूब अच्छा चल रहा था, अच्छा ग्राफ था यूट्यूब का, कोलैबोरेशन अच्छे आ रहे थे, मंथली मुझे यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम चल रही थी, फुल टाइम जॉब भी कर रही थी एज एन असिस्टेंट टीचर इन कॉलेज। तो करियर लाइफ वॉज सो गुड इन इंडिया। तो इफ माई डिसीजन इज टू गेट मैरिड, दैट मीन्स जहां मेरे हस्बैंड होंगे मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इस कंट्री में आई, तो मैं जब आई तो मैं अपना जॉब लेकर नहीं आई, मैं अपना यूट्यूब करियर लेकर नहीं आई। मैं मेरे लिए ये एकदम से नया है, एकदम से सब कुछ नया था।
सेटल होने में इतना टाइम लग रहा है कि आज भी 2.5 साल हो गए, स्टिल आई एम नॉट सेटल्ड, आई एम स्टिल ऑन ट्रेनिंग. फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी सर्कल हो, मतलब जो भी था मेरा वहां इंडिया में, मैं ही मेहनत किए जा रही हूँ रिश्तों पे. तो भाई कब तक करूंगी, मुझे भी तो यहाँ सेटल होना है. बस मैं उसी में अब लग पड़ी हूँ. बस कुछ फैमिलीज हैं, कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात कर लेती हूँ, बल्कि वो भी मुझसे रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं जल्दी, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. थोड़ा टाइम डिफरेंस भी है, और इंडिया में या यहाँ पर अगर कोई अपना करियर फैमिली साथ साथ लेके चल रहा है, स्पेशली वर्किंग वुमेन, तो टाइम नहीं मिलता इतना कि आप मिंगल हो सको. किसी को नहीं पता कि यहाँ मेरी लाइफ कैसी चल रही है, और दे आर मेकिंग देयर ओन स्टोरीज. चलो ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड लुकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट कितना समझेंगे यार, बस हो गया. यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैं जब आई, तो देखिए मैंने यूट्यूब कंटिन्यू रखा जस्ट बिकॉज कि मुझे अपना करियर कंटिन्यू रखना था. बट YouTube ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा कोलैबोरेशन सब चला गया इंडिया से ही. मेरे मंथली जो इनकम थे वो खत्म हो गए. वैसे तो इंडिया में भी मंथली मुझे नहीं मिलता था, हर 6 मंथ या 4 मंथ पे ऐसे तो $100 हो ही जाते थे. सो डजंट मैटर, $100 इंडिया में काफी मैटर करता है, बट यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यूट्यूब इनकम मेरा तो यहाँ पे बंद ही हो गया है, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब इनकम क्या है. 23 में मुझे एक बार इनकम आया, तो उसके बाद डायरेक्टली 24 पे आया. और तो ये है कुछ इनकम का हाल. बट बात करूं मैं कॉलेज लाइफ, तो कॉलेज तो मेरा चला ही गया वहां से ही. ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स. मेरी कोई ऐसी स्पेशलाइज स्किल नहीं है, मैं टीचिंग फील्ड में थी. अब यहाँ टीचिंग के लिए अलग क्राइटेरिया है, आपको पढ़ना होता है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं, बहुत बहुत कुछ है. लोकल जॉब के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत कोशिश किया बट नहीं हुआ. अब तो मैंने यहाँ पे एडमिशन भी लिया एक कोर्स में, वो मैं कर रही हूँ. साथ ही साथ मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रही हूँ, जो कि थर्सडे एंड फ्राइडे होती है, एंड देन आफ्टर 1 मंथ दे विल डिसाइड कि जॉब पे रखना है या नहीं. देखिए लाइफ इतनी इजी नहीं है, किसी की भी नहीं है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंडिया में सबकी लाइफ इजी है, किसी की भी नहीं है. हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है. बट प्लीज आप किसी को भी पॉइंट आउट मत करो, या किसी को ऐसे बात मत बोलो कि जो हर्ट कर जाए. कोई शौक अगर हम अपने पूरे करते हैं तो उसके पीछे मेहनत होती है, मेहनत करती हूँ मैं. और अगर हम मेहनत करते हैं तो अपने छोटे मोटे इधर उधर के शौक तो पूरे करेंगे ही ना. सो उसमें झूठ क्या है जो आपने सीधा लिख दिया कि क्यों झूठ बोल रहे हो. प्लीज अपनी सोच बदलो और आप भी मेहनत करो, अपनी शौक पूरे करो. सो यस, बैक टू रूटीन. आज धूप अच्छी आई है, सो कपड़े डाल रही हूँ मैं, सारे आज धो दिए. एंड साथ ही वैक्यूम करना है, थोड़ा सा रूम अच्छे से मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा तहस नहस हुआ है. सो इसी तरह से अपना टाइम मैं यूज़ करती हूँ, और हो सके तो लोगों से कॉल करके उनका हाल चाल पूछ लिया करो, ना कि उन्हें कुछ ऐसे हर्ट करो अपने शब्दों से. बस सोफा हो गया मेरा, अभी मुझे वैक्यूम करना है. और बहुत अच्छी धूप आई है, 3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, ठंड थी. तो यार हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल. आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं. आज कितने लोगों का व्रत है मुझे बताइएगा कमेंट करके. आज से मंडे फास्ट स्टार्ट हो चुका है सावन का, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इंडिया. एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने घर में ही इंडिया ला सकूं, बट ओनली आफ्टर गेटिंग माय ओन हाउस. के सपोर्ट से ही होगा. प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप सभी को हैप्पी मंडे, एंड डू सब्सक्राइब गाइस, आई नीड योर सपोर्ट. बाय बाय.